हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस बायोविजन। आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है मैटरनल इफेक्ट। इसका एक एग्जांपल मैंने स्नेल का क्वाइलिंग डिस्कस किया था। इसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है मैटरनल इफेक्ट का जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है पिगमेंटेशन इन फ्लोर मॉथ। पिगमेंटेशन इन फ्लोर मॉथ या आटे में जो मॉथ पाया जाता है उसमें पिगमेंटेशन का इनहेरिटेंस को सबसे पहले स्टडी किया था अर्नेस्ट कैस्पारी ने इन द ईयर 1936। उन्होंने इंसेक्ट पर जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी किया और फाइनली ये पाया क्या कि जो फ्लोर मॉथ है जिसका साइंटिफिक नेम इफेस्टिया कुहनियेला है, इसमें दो तरह के फ्लोर मॉथ पाए जाते हैं। एक होता है डार्क ब्राउन कलर का और दूसरा होता है व्हाइट कलर का, जिसके आईज बाय डिफॉल्ट रेड होते हैं। डार्क ब्राउन जो कलर का होता है वो पिगमेंटेड मॉथ होता है, उसके आईज ब्राउन कलर के होते हैं, जबकि जो नॉन पिगमेंटेड मॉथ होता है व्हाइट कलर का, उसका जो आईज होता है बाय डिफॉल्ट रेड कलर का होता है। तो उन्होंने देखा क्या, दो तरह का, यहां देख रहे हैं हम कि दो तरह का फ्लोर मॉथ, एक वाइल्ड टाइप है और एक म्यूटेंट टाइप है। वाइल्ड टाइप पिगमेंटेड है जिसके ब्राउन आईज हैं, और ये जो म्यूटेंट टाइप है नॉन पिगमेंटेड है, इसके रेड आईज है। जो इसके लिए एक पेयर ऑफ एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कलर एक्सप्रेशन इन द फ्लोर मॉथ, और वो है कैप ए, एज इन कैपिटल ए और स्मॉल ए, पेयर ऑफ एलील रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ कलर। तो इसमें हम देखते हैं कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल ए पर। यहां जब इस तरह का ब्राउन, जब वाइल्ड टाइप है तो वाइल्ड टाइप में हमको जीरो टाइप दो तरह का मिलता है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट का और एक हेट्रोजाइगस। ये दोनों जो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए वाले जीरो टाइप है, इसमें ब्राउन आई पाया जाता है, जबकि म्यूटेंट टाइप जो होता है वो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है स्मॉल स्मॉल ए कंडीशन में। ए इज डोमिनेंट, कैपिटल ए इज डोमिनेंट एंड स्मॉल ए इज रिसेसिव एलील। जो लोअर केस एलील है उसको हम रिसेसिव एलील के रूप से मैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एलील ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पिगमेंट प्रिकर्सर कॉल्ड काइनुरिनिन। एलील ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ए पिगमेंट प्रिकर्सर कॉल्ड काइनुरिनिन। अब देखिए कि ये जो काइनुरिनिन है ये इटसेल्फ इज नॉट ए पिगमेंट, ये प्रिकर्सर है जो आगे चलकर ये पिगमेंट बनाता है, ब्राउन कलर का पिगमेंट बनाता है। जब हम इसमें एक क्रॉस कराते हैं, प्योर जनरेशन में क्रॉस कराते हैं, ब्राउन आई यानी कैपिटल ए और रेड आई स्मॉल ए के बीच में हम रेड आई मॉथ को क्रॉस कराते हैं, तो देखते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो सारे के सारे ब्राउन आई वाले आते हैं, क्योंकि इसमें एक जो जीन है वो कैपिटल जीन है। हेटरोजाइगस कंडीशन में एक जीन जो है कैपिटल जीन का है, तो ये ब्राउन आई वाले पिगमेंट होते हैं, ब्राउन आई वाले मॉथ होते हैं। इसमें लार्वा और एडल्ट दोनों पिगमेंटेड होता है। पिगमेंटेड मॉथ होता है उसके आईज ब्राउन कलर के होते हैं और उसके विंग्स पर भी ब्राउन स्पॉट पाए जाते हैं, तो उसको हम पिगमेंटेड मॉथ कहते हैं। तो यहां देखते हैं एडल्ट और लार्वी दोनों जो है ये पिगमेंटेड है। अब हम इसका एक टेस्ट क्रॉस करते हैं, वी परफॉर्म ए टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल टेस्ट क्रॉस। देखिए रेसिप्रोकल टेस्ट क्रॉस मैंने इसका कराया हुआ है। रेसिप्रोकल टेस्ट क्रॉस में यहां ये हेट्रोजाइगस मेल है और ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस मेल है और ये होमोजाइगस रिसेसिव
रिसेसिव होमोजाइगस फीमेल है। तो जब ये रिसेसिव होमोजाइगस फीमेल है तो इसमें जो एग बनेंगे वो चूंकि इसमें एक भी कैपिटल ए नहीं है इसलिए इसके एग में कोई भी कलर का प्रिकर्सर नहीं बनेगा, पिगमेंट का कोई प्रिकर्सर नहीं होगा। इसीलिए जब हालांकि ये मेल पिगमेंटेड है, मेल पिगमेंटेड है लेकिन मेल के स्पर्म में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इसलिए जो साइटो वो जो पिगमेंट का प्रिकर्सर का प्रोटीन है वो स्पर्म के थ्रू नहीं आता है। यहां जब अब इसके बाद टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट 1:1 का आता है। इसमें जब हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल टेस्ट क्रॉस है उसमें 1:1 में पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड का रेशियो 1:1 होता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि ये जो पिगमेंटेड है वो 1:1 के रेशियो में आया है। ऑब्वियसली 1:1 के रेशियो में आया है, यहां पिगमेंटेड इसलिए है ये मेल और फीमेल एडल्ट दोनों या लार्वी दोनों के बारे में है, ये पिगमेंटेड होंगे क्योंकि यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ दोनों के दोनों होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है इसलिए इसके पिगमेंट ये जो लार्वा या एडल्ट जो भी होगा वो सारे के सारे नॉन पिगमेंटेड होंगे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसमें भी मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स देयर इज 1:1 रेशियो ऑफ पिगमेंटेड एंड नॉन पिगमेंटेड ऑफ स्प्रिंग। सेकेंड केस में हम देखते हैं यहाँ पिगमेंटेड फीमेल है, पिगमेंटेड फीमेल है और अनपिगमेंटेड मेल पेरेंट है, अनपिगमेंटेड मेल पेरेंट है। तो जब फीमेल पिगमेंटेड है तो ये जो एग प्रोड्यूस कर रहा है उसके साइटोप्लाज्म में पिगमेंट के प्रिकर्सर्स हैं, पिगमेंट के प्रिकर्सर्स हैं, और यहाँ स्पर्म में तो कोई साइटोप्लाज्म होता नहीं है, तो यहाँ जो पिगमेंटेड है ये प्रोटीन ये जब एग फर्टिलाइज करता है तो इसमें भी 1:1 का रेशियो आता है, 1:1 का रेशियो आता है, इसमें भी आना चाहिए पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड का 1:1 का रेशियो आना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि सारे के सारे पिगमेंटेड हो जाते हैं, सारे के सारे पिगमेंटेड लार्वी बनते हैं। क्यों पिगमेंटेड लार्वी बनते हैं? क्योंकि इसमें सभी लार्वी के जो फर्टिलाइजेशन से पहले ही इसके साइटोप्लाज्म में काइनुरिनिन का जो प्रिकर्सर्स है वो बन चुका है जो आगे चलकर पिगमेंट बना देता है, और इस तरह से सारे के सारे लार्वी चाहे इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए हो या स्मॉल ए स्मॉल ए हो सारे के सारे जीनोटाइप क्या हो जाते हैं? पिगमेंटेड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर जीन के इनहेरिटेंस में इस तरह का नहीं होता है, लेकिन यहाँ चूंकि साइटोप्लाज्म में इस तरह का प्रोटीन पड़ा हुआ है इसीलिए सभी के सभी पिगमेंटेड लार्वी बन जाते हैं। ये हेटरोजाइगस कंडीशन में मेल हो या फीमेल हो ये भी पिगमेंटेड होता है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में मेल हो या फीमेल हो ये भी पिगमेंटेड होता है, लेकिन ये जो है होमोजाइगस रिसेसिव वाला इसमें ये पिगमेंटेड तो है, लार्वी है अर्ली स्टेज में, लेकिन इसके पिगमेंटेशन को सपोर्ट करने वाला कोई कैपिटल ए जीन इसमें नहीं है। तो जब कैपिटल ए जीन नहीं है तो इसका जो पिगमेंटेशन वो टेम्पररी है, अर्ली स्टेज ऑफ लार्वी में ये पिगमेंटेशन पाया जाएगा लेकिन आगे चलकर ये पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगा और ये नॉन पिगमेंटेड एडल्ट में कन्वर्ट कर जाएगा, नॉन पिगमेंटेड एडल्ट में कन्वर्ट कर जाएगा मतलब कि उसके आईज का कलर भी रेड हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इस तरह से डोमिनेंट एलील ए इज नॉट प्रेजेंट इन टू सिंथेसाइज काइनुरिनिन इन स्मॉल ए लार्वी, देयरफॉर नो पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन मैच्योर लार्वी एंड एडल्ट। सिमिलर जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये लार्वी और एडल्ट में कैपिटल ए नहीं है तो ये कलर आगे जाके वैनिश कर जाता है। इस इंटायर फेनोमेना को हम लोग मैटरनल इफेक्ट कहते हैं कि मैटरनल इफेक्ट क्या होता है कि मदर का जीनोटाइप जो अपने ऑफस्प्रिंग है उसमें अर्ली स्टेज में एक्सप्रेस हो जाता है, ये नहीं कि उसके एडल्ट में एक्सप्रेस होगा, एडल्टहुड में एक्सप्रेस होगा, लेकिन एटलीस्ट द जीनोटाइप ऑफ मदर इन्फ्लुएंसेस द ऑफस्प्रिंग
इनवेरली अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, शुरुआती दौर में इसका इंपैक्ट रहता है, बाद आगे चलकर ये खत्म हो जाता है। देखिए मैटरनल इफेक्ट इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंस ऑफ मदर जीनोटाइप ऑन द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब देखिए ये कैसे होता है, तो हम जानते हैं ड्यू टू एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन इन गैमिट्स, गैमिट्स में यानी कि गैमिट्स में एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक में प्रोटीन रहता है, स्पर्म में प्रोटीन नहीं रहता है, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन रहता है, इसीलिए स्पर्म के द्वारा जो मैटरनल इफेक्ट है यानी कि फादर के द्वारा मैटरनल इफेक्ट शो नहीं किया जाता है, जबकि मैटरनल लाइन या मदर के द्वारा ये मैटरनल इफेक्ट आता है। एक्युमुलेशन ऑफ जीन, एक्युमुलेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट इन डेवलपिंग एग, एग में क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट होता है जब डेवलप करते रहता है, जबकि स्पर्म में किसी भी जीन के प्रोडक्ट का एक्युमुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैटरनल इफेक्ट इज नॉट शोन, देयर इज नो सच थिंग लाइक ए पैटर्नल इफेक्ट कि फादर के द्वारा है वो अर्ली स्टेज में एक्सप्रेस हो जाता है, क्योंकि द स्पर्म डजंट कंटेन एनी साइटोप्लाज्म एंड देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट इन द स्पर्म। तो आई थिंक कि मैटरनल इफेक्ट क्या होता है हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, दो दो एग्जाम्पल के थ्रू, एक तो सेल के क्वाइलिंग के सेल क्वाइलिंग इन स्नेल और दूसरा फ्लोर मॉथ जो इफेस्टिया कोहनियेला है, इसमें जो पिगमेंटेशन का इनहेरिटेंस होता है, ये दो एग्जाम्पल है जिसके द्वारा मैटरनल इफेक्ट को आसानी से समझा जा सकता है। आई थिंक आज का जो डिस्कशन है वो फ्रूटफुल रहा होगा, इसको समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल वेदर दिस टॉपिक वेदर आई नीड एनी इम्प्रूवमेंट टू इम्प्रूव माय चैनल। ओके, थैंक यू।